अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 3 से 4 साल की बच्चे की शॉर्ट्स और टॉप की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, जो कि रेडीमेड स्टाइल है और ये बनाना बहुत आसान है और मैं इसे बहुत आसान तरीके से आप सबके साथ बना करके दिखाऊंगी। आइए अब हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर कुछ फैब्रिक ली थी, यहाँ पर मैं 2 मीटर फैब्रिक ली थी, ये मैं कट करके रख ली हूँ पीसेज में। यहाँ पे देखिए, ये मैं 2 पीस ली हूँ। ये फ्रंट पीस है, इसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई 18 इंच है। अब मैं इसे 4 फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पे देखिए, 2 पीस मैं और ली हूँ। ये बैक पीस है, इसके हम 2 पीस लेंगे और इसकी लंबाई 13 इंच है और इसकी चौड़ाई 17 इंच है। हम फ्रंट वाले से 1 इंच इसकी चौड़ाई कम रखेंगे। यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे भी 4 फोल्ड कर ली हूँ और ये फ्रंट वाली पीस को मैं फ्रंट वाली पीस के ऊपर बैक वाली पीस रख दूंगी और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, 1/2 इंच एक्स्ट्रा डबल करने पे। अब यहाँ से शोल्डर के लिए मैं 5.5 इंच लूँगी और आर्महोल जो है कि 6 इंच, चेस्ट 8 इंच पे निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए और वेस्ट के लिए 7.5 इंच पे। इन निशानों को हम मिला लेंगे और यहाँ से आर्महोल की गुलाई बना लेंगे और यहाँ से मैं 2.5 इंच पे गले का निशान लगाई हूँ चौड़ाई का और 1/2 इंच पे निशान लगा करके हम बैक गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, 1/2 इंच मैं कंधी डाउन कर दूँगी। देखिए, मैं यहाँ पे टॉप पार्ट की कटिंग कर ली हूँ। अब यहाँ से हम बैक वाली पीस उठा लेंगे और ये फ्रंट वाली पीस को हम 4 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से मैं 6 इंच पे निशान लगाऊंगी और वहाँ गले का जो निशान है वहाँ से हम हल्का सा शेप दे करके वी गले का हम इसकी कटिंग कर लेंगे और यहाँ बीच में से मैं कटिंग करके पीसेज अलग कर दूंगी। अब देखिए, यहाँ पे बैक वाला जो पीस है इसे हम फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाले के ऊपर रख करके यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से 3.25 इंच पे निशान लगा करके इन निशानों को मिला लूँगे और इसकी कटिंग हम कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं कटिंग कर ली हूँ पीसेस की। ये देखिए, फ्रंट वाली पीस है, हम सबके जो है कि सबकी कटिंग कर ली हैं। अब यहाँ पे देखिए, 2 पीस मैं फ्रिल के लिए ली हूँ जिसकी चौड़ाई 4 इंच है और इसकी लंबाई 33 इंच है। इसे भी हम हल्के हाथ से गुलाई का शेप दे करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं फ्रिल की कटिंग कर ली हूँ। हम एक साइड से इसे मोड़ लेंगे, दूसरे साइड से इस पर प्लेट्स लगा लेंगे। यहाँ पे मैं शोल्डर ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए, शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है और ये जो फ्रिल कट करके रखी थी इसे मैं बारीक बारीक फोल्ड कर लूंगी। देखिए, मैं अब फ्रिल पे फोल्ड करनी, उस पर सिलाई लगानी हूँ। अब यहाँ से हम इस पर प्लेट्स डालेंगे बारीक बारीक। देखिए, मैं दोनों फ्रिल पे प्लेट्स लगा ली हूँ। अब ये नीचे से टॉप का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, दोनों साइड में निशान लगा लिया आगे पीछे। अब वहाँ पे हम फ्रिल को रख करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे फ्रिल पे सिलाई लगा ली हूँ। ऐसे मैं दोनों साइड को फ्रिल लगा लूँगी। देखिए, दोनों साइड में फ्रिल लगा ली हूँ
अब ये जो है कि साइड वाला जो हिस्सा था उसका हम शोल्डर ज्वाइंट करके अब इसे हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे, जो हम फ्रिल ज्वाइंट करके रखे थे एकदम वहीं पे, यहाँ पे हम शोल्डर मिला करके सिलेंगे। जो पहले हम शोल्डर ज्वाइंट किए थे और जो अभी को ज्वाइंट किए दोनों को, यहाँ पे देखिए मैं ज्वाइंट कर ली हूँ जो पीसेस कट करके रखी थी। यहाँ से देखिए मैं गले का माप ली हूँ 11 इंच, देखिए 7 इंच के हम मैं एक पीस ली हूँ और यहाँ पे 23 इंच इसकी लंबाई, 7 इंच चौड़ाई, इसे हम फोल्ड कर लेंगे और जो गला हमारा है इसे हम रख करके हम गले की कॉलर की कटिंग कर लेंगे। देखिए मैं निशान लगा ली हूँ, अब मैं कॉलर की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे देखिए कटिंग हो चुकी है, यहाँ पे बीच में हम हल्का सा चटका लगा लेंगे पीछे वाले गले में एकदम बराबर करके, बीच में हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। अब कॉलर को यहाँ से हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं कॉलर को ज्वाइन कर ली हूँ और ये जो इनर वाला भी हम कट करके रखे थे उसे भी हम ज्वाइन कर लेंगे इसमें। देखिए जो टॉप पार्ट का नीचे वाला हिस्सा वहाँ से ज्वाइन करते हुए कॉलर तक ज्वाइन करते हुए हम इसे नीचे की साइड ला करके इसमें देखिए ज्वाइन कर ली हूँ। अब मैं इस पर कट का निशान लगा करके इसे पलट लूँगी और इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा लूँगी। देखिए मैं यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ आस्तीन में मैं पाइपिंग लगाऊंगी। देखिए मैं आर्मोर में पाइपिंग लगा ली हूँ, अब मैं यहाँ से मैं फिटिंग की सिलाई लगा लूंगी। देखिए दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली हूँ और नीचे से हम बारीक सा इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पे फोल्ड करके दो काज लगा के काज बना करके बटन लगा ली। यहाँ पे हम दो पीस लिए हैं शॉर्ट्स के लिए जिसकी लंबाई 13 इंच है और चौड़ाई 21 इंच है। यहाँ पे देखिए मैं 9 इंच पे निशान लगाई हूँ और ये आसन के लिए मैं 9.5 इंच पे निशान लगाएँ, फिर नीचे मोहरी के लिए भी हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ नीचे से 0.5 इंच पे निशान लगा करके हल्की सी गोलाई दे करके हम नीचे से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए जो फोल्डेड एरिया है वहाँ पे मैं 0.5 इंच पे निशान लगा लूँगी और यहाँ पे हम सिर्फ 2 पीस लेकर के कट करेंगे। जो निशान है वो हम ये हमारी आगे वाली साइड है और ये जो है ये पीछे वाली साइड है। यहाँ पे देखिए मैं एकदम सेंटर में निशान लगाएं, फिर जो सेंटर में हम निशान लगाए थे वहाँ से 1-1 इंच पे दोनों साइड निशान लगाएंगे और नीचे की लंबाई 7 इंच पे निशान लगा करके हमें निशानों को मिला लेंगे। देखिए मैं दोनों पीस में ये निशान लगा ली हूँ। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। पहले हम इसका आसन को जो सिल लेंगे, वहाँ पर ये जो मैं निशान लगाई थी इसे मैं दोनों निशान को मिला करके हम इसकी सिलाई कर लेंगे। देखिए ऐसे मैं इस साइड की भी सिलाई कर लूँगी। देखिए दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। बैक और फ्रंट वाला दोनों पीस को हम एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं 3.5 इंच की पट्टी ली हूँ, इसे हम लास्टिक लगाने के लिए लगाएंगे और इसे फोल्ड करके मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए यहाँ पे सिलाई लगा ली हूँ मैं, 16 इंच की लास्टिक ली हूँ। अब मैं लास्टिक को डाल लूँगी और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैं यहाँ ऊपर सिलाई लगा ली हूँ। अब हम दोनों साइड का पकड़ कर के ज्वाइंट करके हम सिलाई लगा देंगे। देखिए हमारी शर्ट पे मैं सिलाई लगा ली। अब इसके नीचे मोहरी जो है कि मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। देखिए दोनों मैं फोल्ड कर ली हूँ। अब यहाँ से भी हम सिलाई लगा लेंगे।
ये देखिए हमारी शॉर्ट्स तैयार हो चुकी है। मैं इस पर भी बटन लगा दी हूँ। ये देखिए हमारा टॉप जो है कि मैं कस करके इस पर बटन लगा दी थी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा टॉप बना है, एकदम रेडीमेड के जैसा। और ऐसे ही मैं शॉर्ट्स को भी बनाई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट्स में भी बटन लगा दी हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।